सभी का अलियत गम फैमिली में नया वर्ड निकाला तूने। चलो जाओ ट्यूशन जाओ। मम्मा मेरे को चाचे साथ जाने से पहले एक बात बोलनी। क्या? आज मैं जल्दी सो जाऊंगा। हाँ ठीक है जाओ। चलो बाय। जैसे अली सलाम करके गया हुआ है सो अभी मैं जा रही हूँ। और ये बहुत शॉर्टकट चीज़ें हैं क्योंकि आपको तो पता है मैं हमेशा शॉर्टकट चीज़ें ही बताती हूँ ताकि लेडीज़ लोग आराम से और इजीली बना सके। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कलेजी भुना। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कैसा मैं शॉर्टकट में बनाती हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। मैंने कलेजी काट ली हूँ और अभी धोने जब तक इसका पूरा निकल नहीं जाए गंदगी। मेरी कलेजी धुल के आ गई है, देखिए कितना साफ धुई हूँ, ज़रा भी कहीं पे भी गंदगी नहीं है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ एक कढ़ाई में। सो मैंने आधा किलो कलेजी लिया है और आधा किलो कलेजी में जाएगा आपका पाँव किलो कांदा। और पाँव किलो कांदे को एकदम बारीक बारीक काट लेना है। और ये लेकिन चिकन कलेजी बना रही हूँ तो इसके लिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आपको मटन कलेजी बनाना है तो आप ये कुकर में बनाना चाहिए क्योंकि मटन जल्दी गलता नहीं है। तो मटन कलेजी अगर आपको बनाना है तो कुकर में बनाना है, और चिकन कलेजी अगर आपको बनाना है तो कढ़ाई में। और ये चिकन कलेजी मेरी निदा का फेवरेट है तो इसके लिए मैं बना रही हूँ। अभी आपको मैं बताती हूँ कांदा मैंने कैसा काटा है। ये देखिए ये कांदा मेरा कट गया है पाँव किलो। अभी कढ़ाई में डाली हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। और अभी मैं डालूँगी इसमें ये तेल, देखिए मेरा पहले गर्म करूँगी अच्छे से। अब इसके अंदर मैं डालूँगी कलेजी। तेल में कलेजी इसलिए डाली हूँ क्योंकि कलेजी में है ना हमेशा बास आती है, एकदम अजीब सी बास आती है, वो खाने में बहुत अच्छा नहीं लगता है स्मेल से। तो इसलिए पहले तेल में कलेजी 5 मिनट तक के थोड़ा सा हल्का सा उसको फ्राई करना है। तो ये देखिए तेल में मेरा ऐसा फ्राई हो गया है। ये देखिए ये मेरी फ्राई हो गई कलेजी, 5 मिनट मैंने करी इसको इस तरह से, ये पूरा फ्राई हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी कांदा। ये देखिए मैंने कांदा ले लिया इधर, इसमें डाल दियो कांदा। अब इसको मैं कांदे के साथ हल्का सा ऐसा घुमा लूँगी, बस ज़्यादा नहीं घुमाना है, हल्का सा। इसमें थोड़ा सा और कांदा डाल दें। सो गाइस मैंने इतनी हल्दी ली हूँ, ये अभी मैं डालूँगी इसमें। और ये देखिए ये मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा रेडी रहता है। ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और 1/2 चम्मच ठीक है। इसके बाद मैं डालूँगी मिर्ची की भुक्की 1 चम्मच। ये 2 चम्मच इसके मैं डालूंगी एक चम्मच नमक। इसके बाद डालूंगी मैं 1 चम्मच जीरा। देखा आपने, 1/2 किलो कलेजी में 1/2 किलो कांदा लेना है, 2 चम्मच छोटे वाले लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा। ये डाल के आपने देखा, मैंने आपको दिखाई हूँ, इसको पूरा इसके साथ मैश कर लेना है सर। और गाइस मैं आपको बताऊंगी कि इसमें भी पानी नहीं डालना है क्योंकि कांदे का पानी छूटता है। और अभी स्लो पे मैं इसको कलेजी को रख दूंगी 15-20 मिनट के लिए, इसको स्लो पे रख दूंगी, फिर आपको बताती हूँ इसका क्या हुआ है। कि आई हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि कलेजी बन गई है और आप लोग देखिए कैसा बनी है। ये देखिए गाइस बन चुकी है मेरी कलेजी, बहुत ईजी है, बहुत शॉर्टकट है।
और मैं हमेशा आप लोगों को शॉर्टकट खाना ही बताती हूँ ताकि लंबा टाइम नहीं लगे, फटाफट खाना बन जाए, लोगों का टाइम बचे, ताकि लोग अच्छा खाना खा सके और शॉर्टकट खाना खा सके। तो अभी आपको मैं सो गाइस देखिए कलेजी बुना बन गया है और तेल भी एकदम कम डाला है मैंने और पूरा इसमें कांदा भी पूरा वो हो गया, मेल्ट हो गया है। और अभी मैंने ज़ीरा राइस चढ़ाई, ज़ीरा राइस खाऊंगी और इसके साथ तंदूरी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए। घर की रोटी भी खा सकती लेकिन तंदूरी रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए अभी निदा का ये फेवरेट है, अगर निदा आएगी तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगेगा, खाएगी। लेकिन पता नहीं अभी निदा आएंगी कि नहीं आएंगी, बट निदा का ये फेवरेट है और मैं हमेशा निदा के लिए बनाती हूँ। देखा आपने कलेजी बन के रेडी है, तो इसी तरह से बनती है कलेजी। बहुत से लोग कांदा फ्राई करके उसको पूरा मटन के जैसा भूनते हैं लेकिन वो सब चीज़ों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसमें कैसा है ना, आप कच्चा कांदा डाल दो, फटाफट सब एक साथ सब भून जाता है और फिर बाद में जब ये गल जाती तो उसको हल्का सा भून के आप अपना एक कप पानी भी डाल सकते हो, क्योंकि बहुत से लोगों को सेमी ग्रेवी खाने की आदत होती है भुने में, लेकिन मैं तो एकदम ड्राई ड्राई रखती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्राई पसंद है। और आज उनको मैंने दी हूँ सरप्राइज़, आज मैं उनको बताऊँगी नहीं मैं खाना क्या बना रही हूँ। उनको मैंने बोली हूँ रोटी लेकर आने, तो मेरे को पूछे भी क्या बनाई खाना, तो मैं बोली वही खिचड़ी बनाई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की खिचड़ी बहुत फेवरेट है गाइस, तो वो हमेशा खिचड़ी खिचड़ी खाते, उनको खिचड़ी के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो अभी वो आएंगे तो उनको मैं खिलाऊंगी और उनसे पूछूंगी कैसा बना है। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ट्राई किए आपने और कैसा लगा। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ मेरे हस्बैंड मुझे क्या बोल रहे हैं। तो मेरे मियाँ आ चुके हैं, तुमको पता है आज क्या बनाई मैंने? क्या? खिचड़ी। तुमको लगता है खाली खिचड़ी बनाऊंगी मैं? मेरी तो फेवरेट आइटम वो है तो शायद वही बनाएंगे। आज अलग सा कुछ बनाई हूँ मैंने, आज बनाई हूँ मैंने कलेजी भुना। कहाँ से लाई इसकी कलेजी? मेरी कलेजी काट के निकाली हूँ। चलो निकालती, तुम खा के मेरे को बताओ। बहुत जबरदस्त वाली, जल्दी खाना दो। हाँ टेस्ट करके मेरे को बताना, ठीक है? मैं निकालती हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे से रोटी मंगाई थी, तुमको क्या लगा रोटी काय के साथ खिलाऊंगी मैं? मवला दाल गोश बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। हाँ ये देखो गाइस कितनी बड़ी रोटी है, इतनी बड़ी रोटी है, खा के मालूम पड़ेगा। देखो अभी क्या, ये रोटी का मजा इसके साथ ही आता है मालूम तुमको? तो है, टेस्ट करो कैसा बना। अच्छा देखती हूँ मेरे मियाँ क्या बोलते। खाना बनाना सीख गए? हाँ आता है खाना बनाने, बोलो मत। कैसा बना? ऐसी सब पसंद है ना तुमको खाने का, तो जब मैं बनाने बोलती तुम क्यों बना करते हो फिर मेरे को खिचड़ी खिचड़ी? जब रोज चिकन मटन खाकर के कंटाला आता है, इसके लिए बोलता हूँ खिचड़ी बना। इसलिए तो मैंने आज एकदम से लाइट बनाई। कैसा नमक वमक सब एकदम एकदम परफेक्ट है? चलो खाओ फिर, ठीक है? आओ खाना खाने। निदा भी आती तो अच्छा रहता ना, मेरे को निदा को बहुत पसंद है ये। डाने डाने बोलेगा खाने वाले वो तो है। चलो खा लो फिर।